नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल विद योर फैमिलीज। वंस अगेन आई विश टू वेलकम ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स तथा फैमिली पेंशनर्स ऑन ओनली वन एंड वन ट्रस्टेबल चैनल सैनिक वेलफेयर न्यूज़कास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम जानेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले वी विश टू यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल बटन विद अ क्लिक ऑल नोटिफिकेशन बटन, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट लेटर की और आपसे जुड़े हुए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही पा रहे हैं, रेस्टोरेशन ऑफ द कमुटेड पेंशन, ये जो मैटर है आजकल बहुत हाईलाइटर है और सभी पेंशनर्स इसके ऊपर डिस्कशन ले रहे हैं, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा एक जजमेंट निकाला गया है जिसमें बताया गया कि 11 साल के बाद जो है पेंशन में से कमुट नहीं काटा जाएगा। उसी की क्लेरिफिकेशन के आज लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो ये सबके लिए मान्य है, तो ये सभी के लिए मान्य नहीं है। इसी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सेना के रिकॉर्ड ऑफिस ने रेस्टोरेशन ऑफ द कमुटेड पेंशन पर क्लियर कर दिया है कि किसको इसका फ़ायदा होगा। सेना के रिकॉर्ड ऑफिस ने रजिस्ट्रेशन ऑफ कमुटेड पेंशन के 11 वर्षों बाद के कन्फ्यूजन को दूर करते हुए साफ साफ जवाब दे दिया है कि भले ही कोई कोर्ट आपकी पेंशन कमुटेशन के बारे में 11 वर्षों बाद उसकी मासिक कटौती पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दे दे, लेकिन उस व्यक्तिगत केस को छोड़कर अन्य किसी भी पेंशनर की पेंशन कटौती पेंशन रेगुलेशन के नियम अनुसार 15 वर्षों तक ही मान्य रहेगी, जब तक कि भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई नया आदेश जिसमें वर्तमान पेंशन रेगुलेशन के नियमों को संशोधित नहीं किया जाए। इसका मतलब यह है कि न्यायालय का अंतिम निर्णय भी सिर्फ अपीलकर्ता तक ही मान्य होगा, सभी पेंशनर्स को नहीं। सभी पूर्व पेंशनर और पेंशनर्स के सूचनार्थ मैंने ये वीडियो बनाया है। अब मैं इस लेटर को आपको बता देता हूँ। ये एक लेटर है, 3 जून को निकाला है, एक लेटर दिया है रिकॉर्ड ने। रजिस्ट्रेशन ऑफ कमिटेड पेंशन, रेफर योर पर्सनल एप्लीकेशन डेटेड 20 मई 2024, रिसीव अंडर जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस लेटर नंबर सो एंड सो। तो ये बंदे ने एक एप्लीकेशन दिया था जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू, तो उसने क्या जवाब दिया वो मैं हिंदी में आपको बता चुका हूँ, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द पैरा 163 ऑफ द पेंशन रेगुलेशन ऑफ आर्मी पार्ट 1 2008, आर्मी पेंशन रेगुलेशन के पैरा 163 में क्लियरली मेंशन है कि पेंशनर हु हैव कम्यूटेड द एडमिसेबल पोर्शन ऑफ द पेंशन आर एंटाइटल्ड टू हैव द कम्यूटेड पेंशन पोर्शन ऑफ पेंशन रिस्टोर आफ्टर 15 ईयर्स। इस पैरा में क्लियर लिखा है कि जो भी पेंशनर है वो अपनी कम्यूटेड पेंशन के पोर्शन को 15 साल तक ही चुकाएगा, 15 साल में उसे रिकवर किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा। देयर ऑफ कंटेंशंस डज नॉट मीट कंसिडरेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस पेंशन कमिटेड अमाउंट मेयरली बींग पेड इन होनेबल कोर्ट बाई एनएसएम। यदि कोई अपना पेंशनर मेयरली जो है रिक्वेस्ट करे, प्रे करे कोर्ट को कि साहब मेरी इसको 11 साल में कर दिया जाए 15 के बजाय, तो वहाँ के लिए बोला है एन एनी एसम विच आर येट टू बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट ऑन द मीट ऑफ द केस, तो वो मामला कोर्ट उस इंडिविजुअल के लिए वो रियायत दे सकता है, वो कर सकता है, क्योंकि उसका अपना मैटर है, कोई मामला है। तो इफ सच डिसीजन इन द अराइव इन फेवर ऑफ द, फिर भी ऐसा कोई डिसीजन इस तरह के किसी पेंशनर के फेवर में आता है ऐसी एप्लीकेशन मेयरली प्रे कोर्ट से करने के बाद, तब भी ये बताया गया है कि पिटीशन जिसने कि ये पिटीशनर जिसने पिटीशन डाली है उसको इसका फ़ायदा होगा, न कि किसी और को। यानी कि इफ सच डिसीजन इज अराइव इन द फेवर ऑफ द पिटीशन विल नॉट बी अफेक्टिंग अदर्स टिल सच टाइम द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज अपडेटेड। तो ये जो पॉलिसी है कौन सी, पेंशन रेगुलेशन ऑफ आर्मी पैरा 1 पार्ट 1 2008 पैरा 163, यदि इसको अमेंडमेंट नहीं करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दे चाहे हाईकोर्ट डिसीजन दे दे, उस इंडिविजुअल को छोड़ के किसी को भी उसका बेनिफिट नहीं होगा, यानी कि वो इंडिविजुअल को बेनिफिट होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको यदि बेनिफिट लेना तो आपको भी पिटीशन डालनी पड़ेगी।
क्लियर लिखा है इन व्यू ऑफ द अबव नो एक्शन कैन बी टेकन इन योर पिटीशन। पिटीशन डाली थी बंदे ने तो उन्होंने क्लियर बोल दिया कि हम इस तरह के एप्लीकेशन को कोई एक्शन टेकन नहीं ले सकते हैं जब तक कि आपके लिए फेवर में दिया हो कोर्ट का कोई ऑर्डर आप हमें ना दिखाओ। तो ये एक लेटर था, ये एक जानकारी थी, आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।